एक वक्त था कि साधु यादव की वजह से ही राबड़ी की सरकार चलती थी। इस पर कई सारी फिल्में भी बन चुकी है कि साधु यादव ने राबड़ी देवी को किस तरह से राजनीति में अपने तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन इन दिनों जो फूफा है वो शादी में अक्सर नाराज होते हैं और वो नाराजगी नजर आई राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि अपने साले साधु यादव की बिटिया की शादी में वो नहीं पहुंचे। उनके अलावा राबड़ी देवी भी नहीं पहुंची, तेजस्वी यादव भी नहीं गए, तेज प्रताप यादव भी शामिल नहीं हुए। तो शादी के मौके पर कहा जाता है कि राजनीति में किसी को किसी से कोई भी कितनी छोटी या बड़ी दुश्मनी हो, लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन अपने ही रिश्तेदार यानी साधु यादव जो लालू प्रसाद यादव के साला हैं, राबड़ी के भाई हैं, इन सारी जो राजनीति और रणनीति चलती है उसमें एक चीज यह है कि लालू यादव अपने परिवार के लोगों की शादी में जरूर शामिल होते हैं, गैरों की शादी में भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन नाराज फूफा की भूमिका में लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं। जबकि साधु यादव की बिटिया की शादी में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल खोलकर वो गले मिल रहे हैं और साधु यादव को मुबारकबाद दे रहे हैं। उनके घर में खुशी है, शादी का मौका है। रामकृपाल यादव से लेकर के कई ऐसे नेता हैं जो उस प्रोग्राम में पहुंचे थे। लालू यादव को भी निमंत्रण दिया गया होगा, पारिवारिक शादी थी, लेकिन साधु यादव और लालू प्रसाद यादव को सियासत में एक तरह से कहा जाता है कि एक दूसरे को पसंद और नापसंद करने जैसी स्थिति में उस वक्त आ गए जब राबड़ी देवी की सरकार बिहार में बनी थी और साधु यादव लालू यादव की गैर मौजूदगी में एक तरह से कहा यह जाता है कि सरकार चलाते थे। राबड़ी देवी यानी अपनी बहन को वो मशवरा देते थे और उसके बाद फिर जब लालू प्रसाद यादव